किया श्री शांति भूषण न सिर्फ आज भारत के पूर्व कानून मंत्री हैं, वरिष्ठतम संविधान विशेषज्ञ हैं, बल्कि इस आंदोलन के भी वरिष्ठतम संरक्षक हैं। उनसे हमने प्रार्थना की है कि अस्वस्थता के बावजूद वो हमें अपना आशीर्वाद दें और अपना मार्गदर्शन दें। आदरणीय श्री शांति भूषण, और जब मैं पीछे देखता हूँ और गांधी जी की तस्वीर और लाल बहादुर जी की तस्वीर और सामने आप सबका जो कुछ देखता हूँ, तो मुझे आजादी के आंदोलन की याद आ जाता है। जब कभी इस देश का इतिहास लिखा जाए तो 2 अक्टूबर 2012 को क्रांति दिवस के नाम से याद किया जाता है। इस देश की लोकतंत्र के लिए गांधी जी ने और लाल बहादुर ने क्या सपने देखे, किस राजनीति की उन्होंने कल्पना की थी, और आज राजनीति ऐसी परिवर्तित हो गई कि लोग उससे घृणा करते हैं और कहते हैं कि राजनीति गलती चीज है। आज ये क्रांति जो शुरू हुई है उसी राजनीति को बदलने के लिए शुरू हुई, उस राजनीति को उसी तरफ ले जाने के लिए शुरू हुई है जिसकी कल्पना गांधी जी ने और लाल बहादुर ने की। लाल बहादुर उनको आज कुछ लोग पूछते हैं कि बिना रुपए के ये जो दल बनेगा राजनीतिक दल, चुनाव कैसे जीतेगा। मैं आपको बताता हूं, लाल बहादुर कभी चुनाव कभी रुपए के बल पर नहीं जीते। मैंने उनके चुनाव का काम किया, सन 57 के चुनाव में मैंने काम किया, कोई पैसा नहीं खर्च होता, जनता के विश्वास के बल पर वो चुनाव जीतते थे। अगर आपका राज्य फिर से देश की जनता का विश्वास जीतने में सफल होती है, कोई रुपए की आपको आवश्यकता नहीं होती, सारी जनता आपको विश्वास के ऊपर आपके वोट देगी कि आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। आप क्या, सारी जनता का खुद पर भविष्य बदलना है, यह आपकी क्रांति है, आपका दल है, यह देश के युवाओं का दल है, यह देश के छात्रों का दल है, उनको अपना भविष्य खुद बनाना है और ये आगे चल के आप लोग खुद बनाएंगे। आज ये राजनीति एक संविधान में लोकतंत्र की आवश्यकता है और हमेशा रहेगी। मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस क्रांति का ऐलान 2 अक्टूबर को हो रहा है और 26 नवंबर को इस दल का संविधान प्रस्तुत किया जाएगा। 26 नवंबर को बाबा अंबेडकर ने देश का संविधान भी प्रस्तुत किया था और मुझे बड़ी खुशी है कि 2 अक्टूबर और 26 नवंबर आप लोगों ने छाटा इन दो महत्वपूर्ण घटनाओं की। मुझे एक बात याद आती है, दो बातें याद आती है, जब लाल बहादुर शास्त्री रेलवे के मिनिस्टर थे तो एक रेलवे का एक्सीडेंट हो गया, उनकी तो कोई गलती नहीं थी, जिसकी भी गलती रही हो, लेकिन एक्सीडेंट हो गया और वो क्योंकि रेलवे के मिनिस्टर थे उनका ऐसा मानना था जो हमेशा संविधान में माना जाता है कि अगर किसी मंत्री के नीचे कुछ गलत हुआ है तो मंत्री उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता, और उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री ने अपना इस्तीफा दे दिया, तुरंत दे दिया और ये कहा कि मैं इतने काम नहीं कर सकता, मुझे मंत्री परिषद से बाहर करना। ये मिसाल कायम करनी है,
आज के मंत्री, आज के प्रधानमंत्री कितने ही आरोप लगते हैं, कितनी भी जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है, कितना ही कंट्रोलर एडिटर जनरल सारे भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, लेकिन कोई इस्तीफा देने की बात वो नहीं करते। दूसरी बात मुझे याद आती है, सन 61 में मैं एक दफा लाल बहादुर होम मिनिस्टर थे और मुझे पता लगा कि इलाहाबाद आए हुए थे, मैं भी इलाहाबाद का था, वो मुट्ठीगंज के रहने वाले थे और होम मिनिस्टर थे। 61 आजादी के 14 साल बाद, जबकि वो मिनिस्टर रह चुके थे पहले यूपी में और उसके बाद केंद्र में, और उस समय केंद्र के होम मिनिस्टर थे, तो मैं उनसे मिलने गया। वो अपने मुट्ठीगंज घर नहीं ठहरते थे, सर्किट हाउस गवर्नमेंट हाउस में नहीं ठहरते, और जब मैं मुट्ठीगंज में पहली दफा उनके घर गया था और वहां जाके मैंने देखा एक खपरेल का मामूली मकान है, बिल्कुल जिसमें एक मामूली आदमी रहता, वहां पे वो अपने घर पे ठहरे हुए थे। इस तरह के मंत्री होते थे उस समय, शान शौकत से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल सादा जीवन, ये उस समय की राजनीति थी जिसकी कल्पना गांधी जी ने की थी और जिसको चरितार्थ किया था लाल बहादुर शास्त्री ने। मुझे गर्व है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था, और मुझे बहुत खुशी है कि इस क्रांति का जन्म भी 2 अक्टूबर को हो रहा है, और इसलिए आज जिस राजनीति को गंदगी में परिवर्तित कर दिया है इन सब पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं, हर पॉलिटिकल पार्टी में यह होड़ लगी रहती, कौन ज्यादा भ्रष्टाचार करके अपनी पार्टी का सबसे ज्यादा धन जमा करके और बेईमानी से इलेक्शन जीतेगा, यह होड़ लगी है। लेकिन एक वो जमाना था जब राजनीति को लोग श्रद्धा की दृष्टि रखते थे, आज आप लोगों ने यह ठाना कि आप इस राजनीति में ऐसा बदलाव लाएंगे, फिर से लोग राजनीति को अच्छी बात मानेंगे और देश के लिए कर्तव्य मानेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी यह क्रांति सफल होगी। और क्या 543 आप लोग चाहतेंगे अगले लोकसभा चुनाव के लिए 543 चुनाव क्षेत्र होते हैं, आप ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोगों को निकालेंगे, ऐसे युवाओं को निकालेंगे जो देश के लिए समर्पित हो, जिनका हृदय देश के लिए धड़कता हो, अपने लिए स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं धड़कता हो, तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर देश की जनता 101 चुनाव क्षेत्र में आपके चुने हुए प्रत्याशियों को